हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का CDS बूस्टर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट यूनिट डिजिट करेंगे। इससे पहले हम लोग जो पार्ट्स थे वो कर चुके हैं, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया है और ये वाला पार्ट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो अभी जानते हैं। देखिए, यूनिट डिजिट क्या होता है कि कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में जो डिजिट होती है, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 798, तो ये वाली डिजिट जो इसे होती है इसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट। ये टेंथ डिजिट होती है और ये हंड्रेड, इसी तरीके से और डिजिट्स होती हैं। तो हमसे जो पेपर में पूछा जाता है वो केवल यूनिट डिजिट पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। तो यूनिट डिजिट के कुछ फाइंड करने के कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले उन कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सब देखिए। पहले हम एक टेबल आपको बनवा देंगे, उस टेबल से लगभग 90% क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर आपको हम बताएंगे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कि फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट कैसे निकाली जाती है, और कुछ आपको हम फार्मूले भी बताएंगे जो आगे यूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टेबल देखते हैं। तो एक इस तरीके से आप टेबल बना लीजिए, इसको तीन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा और ये थर्ड पार्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट में आएंगे वो 0, 1, 5 और 6 आएंगे, सेकंड पार्ट में 4 और 9 आएंगे, और थर्ड पार्ट में 2, 3, 7 और 8 आएंगे। जब भी कोई भी आप नंबर देखेंगे जिनकी लास्ट डिजिट 0, 1, 5, 6 है, तो जो उनकी यूनिट डिजिट होगी वह सेम रहेगी, यानी कि 0, 1, 5, 6 ही रहेगी। 0 के लिए उसकी यूनिट डिजिट 0 रहेगी, 1 के लिए 1 रहेगी, 5 के लिए 5 रहेगी, 6 के लिए 6 रहेगी। 4 और 9 में हम लोग इवन और ऑड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इवन ऑड कैसे, देखिए अगर हम 4 की पावर 1 ले लें यानी कि ऑड है तो ये 4 आएगा, और अगर हम 4 की पावर 2 यानी कि इवन ले लेते हैं तो इसकी लास्ट डिजिट होगी वो 6 आएगी। इसी तरीके से 9 होता है, 9 की पावर 1 लेते हैं तो क्या आएगा, 9 आएगा। वहीं पे 9 की पावर 2 लेते हैं तो यूनिट डिजिट 1 आएगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। फिर आपको हम एक यूनिवर्सल मेथड भी बताएंगे, लेकिन जो ये मेथड है ये थोड़े से फास्ट हो जाएंगे उस यूनिवर्सल मेथड से। 2, 3, 7, 8 के लिए आपको क्या करना होगा, अगर कोई भी डिजिट जिसकी लास्ट में 2, 3, 7, 8 है तो उसके ऊपर जो भी पावर लगी होगी सबसे पहले हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 2 है, 2 की पावर हमारे पास 6 है, तो हमें जानना है कि 2 की पावर 6 का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से हम 6 को डिवाइड करेंगे जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको हम वापस इस नंबर की पावर लगा देंगे। अब 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, तो इस नंबर की जो लास्ट डिजिट होंगी वो 4 ही होंगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप अपने जो कैलकुलेटर है उसका यूज कर कर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो ठीक है, लेकिन ये सभी नंबर्स के लिए जो 4 से डिवाइड है ये 2, 3, 7, 8 से भी के लिए भी लागू है और इन नंबर्स के लिए भी लागू है, इसको यूनिवर्सल मेथड कहते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करना को हम यूनिवर्सल मेथड कहते हैं। लेकिन केस जब आता है कि एक्सेप्शन हम लिखा देते हैं कि कोई भी नंबर हमारे पास हो
जैसे कि हमारे पास 2 की पावर 8 होता, तो यहाँ पे अगर हम 4 से डिवाइड करते तो ये पूरा पूरा चला जाता, तो हम 2 की पावर 0 नहीं लेते क्योंकि यूनिट डिजिट 2 की पावर 8 गलत हो जाएगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब एक तो रटने वाला केस है उसको आप लर्न कर लीजिए, दूसरा मेथड भी हम बताएंगे लर्न अगर नहीं करना चाहते हैं। जो लर्न करने वाला मेथड है उसमें क्या करेंगे, अगर आपके पास लास्ट डिजिट 2 और 8 है, ठीक है, तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, जो यूनिट डिजिट आएगी वह 6 आएगी, और अगर नंबर हमारे पास 3 और 7 है यूनिट डिजिट पे, तो उसकी डिजिट यूनिट डिजिट 1 आएगी। ये लर्न करने वाला केस हो गया। आप कहेंगे हम नहीं लर्न करना चाहते हैं, आप हमें दूसरा मेथड बता दीजिए। तो दूसरे मेथड में क्या होता है कि हमने 2 की पावर 8 था, इसको हमने डिवाइड किया तो हमें 0 प्राप्त हुआ, तो आपको 0 नहीं लेके पावर 2 की पावर 4 ले लेनी है। ठीक है, अब 2 की पावर 4 ले लेंगे तो आप अब 2 की पावर 4 या तो आपको टेबल आती हो, नहीं तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 आया ना, यूनिट डिजिट क्या हुई 6, और हमने क्या लिखाया है 6 ही लिखाया है, तो आपका ये वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। इसी के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, प्लस 3 की पावर 4, प्लस 4 की पावर 5, प्लस 5 की पावर 6, प्लस 6 की पावर 7, प्लस 7 की पावर 8, प्लस 8 की पावर 9, 9 की पावर 10, प्लस 11 की पावर 12। ध्यान रखिएगा इतना लंबा कभी पूछते नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना हम लंबा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए 1 का क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, 1 ही हो जाएगा। 2 का आपको 4 से डिवाइड करना होगा, 2 की पावर 3 होता है 8, इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। 3 के लिए भी आपको 4 से डिवाइड करना होगा, या हमने लर्न करने वाला तरीका बताया था कि अगर 3 होगा और उसकी 4 से हम डिवाइड करेंगे पावर 0 आ जाए तो यूनिट डिजिट 1 होगा। 4 के लिए हमने केस बताया था कि अगर 4 की पावर ऑड है तो 4 होगा। 5 के लिए हमने बताया था कि 5 ही होगा। 6 के लिए बताया था 6 ही होगा। 7 के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने केस बताया था कि 3 7 के लिए केस है 1, अगर पावर पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रही 4 से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर आता है 8, यहाँ पे 8 की पावर 1 आएगा तो 8 ही आ जाएगा। 9 के लिए 9 की पावर अगर इवन है तो 1 आएगा, और 1 की कुछ भी पावर हो तो 1 ही आता है। ठीक है, तो अब इसको हम ऐड कर लेंगे, जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं (342 × 8^12), 12, 414 × 6.24 × 547 × 819। अब बताइए, हमने 2 के लिए बताया है कि आपको पावर्स को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, 4 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो 12 है, तो जब भी ध्यान रखिएगा बड़ी संख्या हो तो लास्ट की 2 डिजिट देखिएगा। आपको हमने डिविजिबिलिटी में बताया था कि कोई भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए 12 है, यानी कि पूरी संख्या क्या है 12 से डिविजिबल है। पावर 0 आएगा तो 2 के केस में क्या बचता है 6। 4 के केस में हमें देखना है कि पावर ऑड है इवन है, तो पावर क्या है इवन है, तो आपके पास यहाँ पे भी 6 आएगा। 7 के केस में यहाँ पे अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये 16 टाइम्स चला जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास 3 बच जाएगा। तो 7 की पावर हम 3 करेंगे, 7 की पावर 3 कितना होता है 343 होता है, तो इससे हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वह कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब 6 6 जा 18, 18 3 जा हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है 8 3 जा। ठीक है, 6 6 जा 36 × 3, अब 6 3 जा 18,
ठीक है, 3 को छोड़ दीजिए, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 6 3 जा 18 और 18 का भी हम क्या ले लेंगे, यूनिट डिजिट ले लेंगे 8। तो इसका यूनिट जो आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट भाई 8 आ जाएगा। एक इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लेते हैं, 266 की पावर 54 प्लस 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर। तो 6 की पावर अगर हमारे पास कुछ भी हो, हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। 3 के केस में हमें 4 से डिवाइड करना है, ये 4 से पूरा डिविजिबल है, जो 24 है 4 से पूरा डिविजिबल है। तो जब डिविजिबल हो जाता है तो 3 के केस में यूनिट डिजिट 1 आती है। अब यहाँ पे 7 देखिए, 7 यहाँ पे 38 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 बचेगा, ठीक है। तो 7 की पावर 2, 7 7 जा 49, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक है। अब 617 होता है, 7 से 9 जाएगा तो आपके पास माइनस 2 आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी यूनिट डिजिट माइनस 2 नहीं होती है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से माइनस 2 को माइनस करना होगा, ठीक है। तो 10 से माइनस 2 को हमने जब माइनस किया तो हमारे पास 8 आया, तो 8 ही हमारे पास यूनिट डिजिट हो गई, ठीक है। तो ये केस हो गया हमारा कि हमारे पास अगर नंबर जो यूनिट प्लेस है वो माइनस में आ रहा है तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, 10 से वो नंबर को माइनस कर देना है। अब हम लोग फैक्टोरियल के बारे में बात कर लेते हैं। वन फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। टू फैक्टोरियल, 2 × 1 यानी कि 2 होता है। 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1 होता है यानी कि 6 होता है। 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1 होता है यानी कि 24। इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल 120 होता है और 6 फैक्टोरियल 720 होता है। ये आपको याद करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूज़ करना पड़ेगा, आपको अगर याद होंगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इतना तो आपको याद ही कर लेना है 6 फैक्टोरियल तक। अब कुछ पॉइंट्स और देख लीजिए कि फैक्टोरियल के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स और याद होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन की यूनिट डिजिट ईजिली निकाल पाएँ। जो फैक्टोरियल 1 होता है वो हमारा ऑड होता है, इसके बाद के जितने भी फैक्टोरियल होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं, इवन होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 0 होगी, ठीक है। तीसरा कि 3 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो 4 से डिविजिबल होंगे। फैक्टोरियल के ऊपर कुछ क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। देखिए हम मानते हैं पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक, ठीक है। अब इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। अगर आप देखें तो आप कहेंगे ये तो 100 तक है, हम कैसे यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो हमने आपको फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट बताए हैं, अगर उन कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे तो ईजिली इसका आप फैक्टोरियल निकाल पाएंगे। हमने आपको क्या बताया था कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर होंगे, 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर होंगे उनकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। तो आपके पास बचे कितने नंबर, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो आपको हमने जो फैक्टोरियल थी उनकी वैल्यू भी याद कराई थी, 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24 और 24 की यूनिट डिजिट 4, ठीक है। तो 6 4 10 10
दो 12 1 13, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ गई, 3 आ गई। अगर आपको यूनिट डिजिट जो निकालने का तरीका है, जो फैक्टोरियल में हमने पॉइंट बताए हैं, वो ना आपको पता होते तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाते, इसीलिए हमने आपको फैक्टोरियल के पॉइंट लिखवाए थे। एक और देखते हैं फैक्टोरियल के ऊपर क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है 123 की पावर 123 फैक्टोरियल इंटू 123 की पावर 4 की पावर 34 फैक्टोरियल इंटू 1235 की पावर 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो ये जितने भी फैक्टोरियल हैं, ये सभी के सभी क्या होंगे, 4 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 3 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो 4 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो ये जितने भी फैक्टोरियल हैं, ये सभी के सभी फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल है। जब 4 से डिविजिबल होता है जो पावर, तब उस केस में हमने बताया था कि 3 का जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। 4 की यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी, और 5 की तो आप जानते ही हैं क्या आएगी, 5 आएगी। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 6 5 30, 30 1 30, यानी कि लास्ट डिजिट हमारे पास 0 आ गई, ठीक है। तो फैक्टोरियल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ इसमें क्या होते हैं कि जो हमारे फार्मूला होते हैं उनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो फार्मूले हैं वो लिखा देते हैं, ठीक है। पहला फार्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। तो इसका जो फार्मूला होता है वह एन एन प्लस 1 होता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला है सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, तो उसका हो जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर तक नंबर है, इसका अगर हमें सम निकालना है तो ये हो जाएगा एन एन प्लस 1, 2n+1 अपॉन 6। अगर हमें क्यूब का सम निकालना है तो ये फार्मूला हो जाएगा एन एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगर हमें फर्स्ट एन डिजिट का सम निकालना है तो वो होता है एन एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। एक फॉर्मूला और जान लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ी होगी, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 का होल डी, और जो हमारे पास सम ऑफ n डिजिट्स होता है वो होता है n अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 का होल डी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एन अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो अब अगर हमसे इनसे कोई हमें नंबर दे दिए जाए
तो हमसे पूछा जाए कि हमारी जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगी। जैसे कि हमारे पास मल्टीप्लाई में कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, इसका अगर हम इससे यूनिट डिजिट पूछा जाए तो सिंपली आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई कीजिए। 6 3 18, अब 18 × 5 करेंगे तो 18 × 5 आपको नहीं करना है, अगर आप कर ले तो कोई बात नहीं, देखिए 8 × 5 कर दीजिए, 40 आएगा, यानी कि लास्ट डिजिट क्या हुई, 0 हुई। इसी तरीके से अगर हमारे पास 4 × 1 9 × 2 9 की पावर 2 4 की पावर 3 9 की पावर 4 से लेके 4 की पावर 99 9 की पावर 100 हो, ठीक है, तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे जो जब 4 की पावर 8 होती है तो हमें 4 ही मिलता है, तो यहाँ से हमें 4 मिलेगा और यहाँ से हमें 1 मिलेगा। अब 100 नंबर है हमारे पास, तो इसका मतलब जो 4 की पावर होंगी वो 50 होंगी, तो हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 50 बार कर देंगे, 4 की पावर 50 बार का मतलब हो गया 4 की पावर 50। अब आपको पता है कि अगर 4 की पावर इवन होती तो कितना आता है, लास्ट डिजिट 6 आती है। तो इस तरीके से ये इवन डिजिट या ऑड डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और बचा है, लास्ट टू डिजिट वाला। यूनिट डिजिट हो गया, लास्ट टू डिजिट वाला बचा है, वो भी हम इसमें बता देंगे लास्ट में आपको। उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट में जो टू डिजिट वाले क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करके बताएंगे कैसे टू डिजिट निकालनी है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। इसका देखिए 5 3 15, 15 का 5, 5 7 35 का 5, 5 9 45 का 5, 5 3 15, 15 का 5 और 5 5 25 का 5, यानी कि यूनिट डिजिट 5 आ गई। जब हमारे पास लास्ट डिजिट 3 होती है तो हमें पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। ये जो पावर है 4 से पूरी डिविजिबल है, जब यह 4 से पूरी तरह से डिविजिबल होती है तो हमें क्या करना होता है, या तो 3 की पावर 4 कर दीजिए, या आपको याद रखना है कि हमारा जो लास्ट डिजिट हो जाएगी वह 1 हो जाएगी। अगर देखना चाहते हैं कैसे हो जाएगी तो 3 × 3 × 3 × 3 लिखिए, 3 3 9 9 9 81, 81 का लास्ट डिजिट क्या होती है, 1, तो हमारा लास्ट डिजिट क्या हो गई, 1 हो गई। एट है, फिर से हमें चेक करना है कि ये पूरी डिविजिबल है कि नहीं है। अगर हम इसे लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 × 4, 4 9 36 एंड 2 बचेगा, तो 8 की पावर 2 प्लस, अब यहाँ पर 4 CF 32 पूरा डिविजिबल है, तो 2 के केस में अगर पूरा डिविजिबल होता है तो यूनिट डिजिट 6 होती है। तो 8 × 64, 64 + 6, 6 4 10, यानी यूनिट डिजिट 0 हो गई। सेवन के केस में 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा, तो 7 की पावर 1 यानी कि 7। नाइन के केस में हम देखते हैं इवन ऑड, 9 की पावर अगर इवन है तो 9, और 9 की पावर अगर ऑड है तो 9, और 9 की पावर अगर इवन है तो 1, तो ये क्या है, ऑड पावर है,
तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 है, 5 की पावर कुछ भी हो हमारा क्या आना है, 5 ही आना है। तो 9 5 14, तो यूनिट लीड 4 हो गई। फोर से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 3, तो 7 की पावर 3 इंटू 4 के केस में इवन ऑड देखेंगे, 4 की पावर अगर ऑड है तो हमें मिलेगा 4, तो 7 की पावर 3 होती है 343 इंटू 4, 4 3 12, तो लास्ट डिजिट 2। नाइन के केस में इवन ऑड, तो 9 की पावर ऑड यानी कि 9 माइनस 2 के केस में 32 पूरी तरीके से डिविजिबल है 4 से, तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा, तो 9 में से 6 जाएगा 3। पिछले 9 का केस, अब 9 के केस में ये क्या है, 18 है, 9 की पावर क्या है, इवन, 9 की पावर इवन क्या होता है, 1 होता है, माइनस, अब ये 4 से पूरा डिविजिबल है, जब 4 से पूरा डिविजिबल होता है तो 2 के केस में हमारे पास 6 आता है, तो 1 माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस 5 यूनिट डिजिट नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, 10 से माइनस 5 को माइनस कर देंगे। कभी भी अगर आंसर माइनस में आता है तो उसे 10 से माइनस कर दीजिए, तो ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 7 फैक्टोरियल, अब आपको पता है कि जो 4 फैक्टोरियल होता है यानी कि 3 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर होंगे वो 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल होंगे। अब जब 4 से पूरी तरीके से ये नंबर डिविजिबल है, ठीक है, तो यानी कि अब हमें 7 फैक्टोरियल निकाल लेना है, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 7 7 6 5 4 3 2 और 1, 3 2 6 6 4 जा 24, 24 का 4, 4 5 जा 20, 20 का 0, अब 0 और 0। आपको पता था, ये भी हमने बताया था कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर होंगे उनकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 0, और 0 की कोई भी पावर हो, चाहे इनफिनाइट पावर ही क्यों ना हो, यूनिट डिजिट क्या आती है, 0 आती है। तो यहाँ पे ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी, हमें बस चेक कर लेना था यहाँ पर कि अगर हमारे पास नंबर 3 फैक्टोरियल से बड़ा है और उसकी कोई भी पावर हो, यहाँ पर अगर हमारे पास 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कुछ भी हो और उसकी कोई भी पावर हो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी देख लीजिए, 6 फैक्टोरियल के एंड में यूनिट डिजिट 0 तो आनी है। अब 0 की कोई भी पावर ले लीजिए, आंसर क्या आना है, 0, तो इसकी भी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी। फिर से सेम केस, 3 फैक्टोरियल से जैसे ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी, और 0 की कोई भी पावर हो तो 0 ही आंसर आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल का हमारे पास 4, 3 फैक्टोरियल 6 और 4 फैक्टोरियल 24, इसके बाद के जितने भी फैक्टोरियल होंगे, ठीक है, इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे 5 फैक्टोरियल से लेकर इनफिनाइट फैक्टोरियल तक, सभी की लास्ट डिजिट 0 ही होगी। क्योंकि कैसे होगी, देख लीजिए, किसी में भी अगर 5 और 2 आ जाते हैं, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का इस तरीके से लिखते हैं ना, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, अब 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है ना, इनकी लास्ट डिजिट 0 आ गई। अब 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर 0 ही आना है, तो लास्ट डिजिट इसकी 0 हो जाएगी।
तो हमें बस इसका चक्कर लेना है, 6 4 10 10 1 11 11 का 1 और 1 4 5, तो यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी, 5 हो गई। इसकी डिजिट देखिए, 9 6 54 54 का 4 4 7 28, यूनिट डिजिट 8। अब आता है लास्ट टू डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। लास्ट टू डिजिट वाले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कठिन होता है, अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा, ठीक है। तो आप इसमें आपको चार प्रकार के रूल्स को ध्यान रखना होगा। चार प्रकार से जो रूल्स होते हैं वो होते क्या है, एक तो आपको रखना है टू का, देखिए पहला रूल आपको याद रखना है कि हमारे पास कोई भी नंबर हो जिसकी लास्ट डिजिट में अगर वन हो, यहाँ पर कोई भी डिजिट हो चलेगी, यहाँ पे वन होना चाहिए और उसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो उसकी लास्ट टू डिजिट होंगी उसमें वन तो हो गई होगा, और जो ये वाली डिजिट होगी लास्ट सेकंड डिजिट, उसमें हम क्या करेंगे, ए इंटू बी करेंगे, ए इंटू बी करेंगे। तो ए इंटू बी करने पर हमारे पास जो भी लास्ट डिजिट आएगी उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए हमारे पास 51 है और 51 की पावर हमारे पास है 53, इसका हमें लास्ट टू डिजिट निकालनी है, तो वन तो हो गई होगा, और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, तो 15 का यहाँ पे हम 5 लगा देंगे, यानी कि हमारे पास लास्ट टू डिजिट इसकी आ जाएंगी वो 51 आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से एग्जांपल और लेके देख लेते हैं, हमारे पास अगर 61 है और उसकी पावर हमारे पास 32 है, तो 1 तो आने ही आना है। अब इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 6 2 12 12 का हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, तो इसकी जो लास्ट टू डिजिट हो जाएंगी वो 21 हो जाएगी। पहला रूल ये हो गया। अब दूसरा रूल जानते हैं, जो दूसरा रूल हमारे पास है, अगर हमारे पास 24 है और उसकी पावर ऑड है, तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट लास्ट टू डिजिट होंगी वो 24 होंगी। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसकी इवन नंबर है, उसकी पावर अगर इवन है तो 76 होगा, 76 की पावर कुछ भी हो तो लास्ट टू डिजिट क्या आनी है, 76 ही आनी है। 76 इंटू अगर हम 2 की पावर n करते हैं तो जो लास्ट टू डिजिट होंगी वो लास्ट टू डिजिट ऑफ 2 की पावर n होंगी। अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास 5 का। जो 5 का कॉन्सेप्ट है उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास, चलिए हम एग्जांपल लेके ही समझा देते हैं कि हमारे पास जैसे कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर ऑड हो, ध्यान रखना यहाँ पर ऑड होना चाहिए, लास्ट सेकंड डिजिट क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, और यहाँ पे भी ऑड होना चाहिए, यानी कि पावर जो होगी वो भी ऑड हो और जो लास्ट सेकंड डिजिट है वो भी ऑड हो, तो हमारे पास जो लास्ट टू डिजिट होंगी वो 75 होंगी, ठीक है। अदरवाइज कोई भी नंबर हो हमारे पास, जैसे कि हम ले लेते हैं 55 की पावर, कोई भी इवन संख्या ले लेते हैं, तो ये 25 ही आनी है, या हम यहाँ पर 25 की पावर ऑड ले लेते हैं तो भी हमारे पास क्या आना है, 25 ही आना है। यहाँ पर ऑड होना चाहिए और पावर भी ऑड होनी चाहिए, तभी लास्ट डिजिट हमारी क्या आएंगी, 75 आएंगी, ठीक है।
अब हम लोग, ये तो हमारे पास हो गई। अब एक और रूल बचता है हमारे पास, वो थोड़ा सा कठिन पड़ता है। वो क्या होता है कि हमारे पास 3, 7 और 9 बचे हुए हैं अभी, ठीक है। 3, 7 और 9 बचे हुए हैं। एक का हो गया, दो का हो गया, पांच का हो गया। अब बचे हैं 3, 7, 9 और 6 और 8। 6, 8 को कठिन इसलिए नहीं बोलेंगे, इनको हमें तोड़ के करना होगा। 3 × 2 में तोड़ना होगा और इसको 2 की पावर 3 में तोड़ना होगा, ठीक है। यानी कि ये 2 वाले से कंप्लीट हो जाएगा और जो 6 है वो 3 और 2 दोनों वाले से कंप्लीट हो जाएगा। जो 3, 7, 9 होगा उसमें हमें लास्ट डिजिट 1 बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या करनी है? 1 बनाने की कोशिश करनी है। कैसे बनाएंगे 1, वो भी देख लेते हैं। देखिए, जो सबसे पहले हमारे पास एक नंबर ले लेते हैं हम, फोर नाइन्टी वन है, इसकी पावर अगर हम 83 ले लेते हैं तो हमें क्या करना है कि जो 491 है ये 1 है ना। अब 1 की पावर आपको पता है कुछ भी हो, यूनिट डिजिट पढ़ा था ना, कि 1 की पावर कुछ भी हो लास्ट में 1 तो आना ही आना है। अब हमें क्या करना है, इस वाली डिजिट की मल्टीप्लाई इस वाली डिजिट से करा देनी है। तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा, यानी कि जो लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगी हमारे पास वो 71 हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 8, 6, 7, 8, 9 ले लें और इसकी पावर हम 41 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी पावर हमने 41 ले ली, अब हमें इस पूरे नंबर से नहीं मतलब है। अगर हमें लास्ट 2 डिजिट निकालनी है तो हमें लास्ट 2 डिजिट की ही केवल ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, 89 की पावर 41 ले लेंगे। अब 89 की पावर 41 को हमें, हमने बताया था कि 1 बनाने की कोशिश करनी है। 1 तभी आता है जब 9 की पावर 2 हो। 9 × 9 = 81, यूनिट डिजिट 1 तभी आएगी जब ये 2 होगा। तो हमें इसको 2 में तोड़ने के लिए क्या करना है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 89 × 89 की पावर 2 की पावर 20, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। तो 89 की पावर 2 का मतलब है कि हमारे पास 9 × 9 = 81 1 आ जाना है। अब इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाना है, 0 आ जाना है। तो इसका तो हमारे पास 0 1 आ गया, ये 89 है। अब 89 × 0 1 करेंगे तो आपके पास क्या आना है, 89 आना है। तो इसकी जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो 89 होंगी, ठीक है। तो जनरल केस में आप लिख सकते हैं कि 7 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो हमेशा 0 1 आता है, यानी कि 7 की पावर को हम 4 के उसमें तोड़ने की कोशिश करेंगे। 7 की पावर को 4 के उसमें तोड़ने की कोशिश करेंगे और 9 की पावर को स्क्वायर में तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें 1 लाना है और 1 तभी आ सकता है जब 7 की पावर 4 होगी तो 0 1 आएगा, 9 की पावर 2 होगी तो भी हमारे पास 1 आएगा, ठीक है, और 3 की पावर अगर 4 हो तो भी हमारे पास 1 आएगा। तो तरीका आपको पता चल गया कि कैसे हमें करना है। अभी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो मेथड ये बताए हैं ये मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो मेथड है वो हम मेथड यूज कर सकते हैं रिमाइंडर वाला, जो रिमाइंडर थ्योरम पिछला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो रिमाइंडर थ्योरम है उसमें हमने आपको बताया था, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर 100 के आसपास ये नंबर जो हमने नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी उसके हिसाब से यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो 100 की है, 100 के आसपास ये नंबर नहीं है, ठीक है, ये तो है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसे 4
4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे नीचे हमारे पास 25 आ जाएगा, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 टू जा 8 और 4 फोर जा 16 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हमने इसे 4 से डिवाइड किया है, इसकी हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी, हम बताएंगे क्यों हमने यहाँ पे लिखा है 4। अब अच्छा 25 से अगर 97 को डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर क्या आना है, -3 आना है। 100 से ये 3 कम है ना, 2500 को 100 होता है और 100 से ये 3 कम है तो -3 आना है। 25 या 75 होता है, लास्ट टू डिजिट देखिए 25 थ्री जा 75 होता है तो यहाँ पे 2 कम है तो ये -2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 ज़्यादा है 50 से तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। 24 में हमारे पास -1 आ जाना है और 23 में हमारे पास -2 आ जाना है। अब इन सभी जो नंबर्स हमारे पास आए हैं इनको मल्टीप्लाई कीजिए विद साइन, तो 2 वन जा 2, 2 थ्री जा 6, 6 टू जा 12 और 12 थ्री जा 36, 36 आ गया ना हमारे पास। साइन देख लीजिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि हमारे पास आंसर प्लस में ही आना है। अगर हमारे पास बाय चांस आंसर माइनस में आया होता तो हम जो माइनस में रिमाइंडर आया होता उसको 100 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। जीरो डिजिट में हमने 10 से किया था और लास्ट टू डिजिट वाले में हम 100 से करते हैं। अब हमने कहा था कि 4 को याद रखना, अगर हमने 4 से डिवाइड किया था तो हमें 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना होगा। अभी ये हमारे पास आंसर नहीं आया है, 4 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 3 जा 12 12 टू 14, तो लास्ट टू डिजिट हमारे पास क्या गई 44, तो इसकी जो लास्ट टू डिजिट होंगी वो 44 होंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ भी छूट गया हो बाय चांस तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसे अगले वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।